बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपू इन्फो। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है फार्मास्यूटिक थ्री का, हॉस्पिटल फार्मेसी को हम फार्मास्यूटिक थ्री भी कहते हैं। इसका लेक्चर नंबर आज 7 है। लेक्चर 7 में हम पढ़ेंगे डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स। इस टॉपिक में क्या क्या शामिल है ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें व्हाट इज़ इन पेशेंट, इन पेशेंट क्या होते हैं, आउट पेशेंट क्या होते हैं, व्हाट इज़ डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग क्या होती है, और डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट, इन पेशेंट को हम डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं, और आउट पेशेंट को डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं। ये आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज है किन स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, ये बी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है जो कि फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिसेंस के असूल के लिए 2 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं, और ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये वाला सब्जेक्ट शामिल है फार्मास्यूटिक थ्री के नाम से। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन पेशेंट। इन पेशेंट्स को हम डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशंस बताएंगे आपको कि ये होता क्या है। तो इसको अगर फॉर्मली हम देखें इंग्लिश में, तो इसको यूं डिफाइन करते हैं हम, एन इंडिविजुअल रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टेइंग ओवरनाइट और फॉर एन अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन इन एन हॉस्पिटल इज रिफर टू एज इन पेशेंट। यानी ऐसा शख्स जो कि हॉस्पिटल के अंदर रहता है और अपनी ट्रीटमेंट करवाता है और वो काफ़ी अरसे तक रहता है जो कि मुतय्यन नहीं होता अरसा, और वो हस्पताल के अंदर ही स्टे करता है, यानी रातें भी हस्पताल के अंदर ही गुजारता है, दिन भी उधर ही गुजारता है, और उसका पीरियड जो है मुतय्यन नहीं होता। ऐसे पेशेंट को हम इन पेशेंट कहते हैं, यानी उस पेशेंट ने हस्पताल के अंदर एडमिशन लिया होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप एडमिट पेशेंट भी कह सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है ऐसे बंदे को जो अस्पताल में एडमिट होता है, और ऐसी मेडिकल केयर को कहते हैं इन पेशेंट केयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउट पेशेंट्स, यानी बाहर से मरीज आया और बाहर ही चला गया, उसने रात स्टे अस्पताल में नहीं किया, उसने थोड़ी देर के लिए आया, उसने दवाई ली और चला गया। यानी जो आउट पेशेंट होता है वो ऐसा शख्स होता है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है विदाउट स्टेइंग इन हॉस्पिटल, यानी अस्पताल में रहे बगैर, वो अस्पताल के अंदर यानी रात नहीं गुजारता, बस थोड़ी देर के लिए आता है, अपनी प्रिस्क्रिप्शन ली, डॉक्टर से कंसल्टेंस किया, मशवरा किया, उसके बाद मेडिसिन लिखवा के वो चला गया। ऐसे पेशेंट को हम आउट पेशेंट कहते हैं। और जो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है इन पेशेंट्स को, उसको हम एम्बुलेटरी केयर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि आउट पेशेंट किसे कहते हैं उसको डिफाइन करें, या एम्बुलेटरी केयर किसे कहते हैं उसे डिफाइन करें। तो ये चीज़ें आप अभी से याद कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग क्या होती है? डिस्पेंसिंग जो है एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जो है आप फार्मेसी इन्वॉल्व होती है। डिस्पेंसिंग के अमल में कौन इन्वॉल्व होता है? फार्मेसी इन्वॉल्व होती है, और इसमें जो है 2 or more doses फ्रॉम अ बल्क ड्रग कंटेनर इनटू अनदर कंटेनर और इन्वेलप इंटेंडेड फॉर लेटर यूज बाय ए पेशेंट। यानी डिस्पेंसिंग के अंदर जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट होती हैं या दवाइयाँ होती हैं, उसको हम एक कंटेनर में यानी किसी डब्बे में या एनवेलप या लिफाफे के अंदर जो है पेशेंट को पैक करके देते हैं, और साथ ही समझा देते हैं कि ये ड्रग किस तरह खानी है और किस टाइम खानी है, और पैटर्न पेशेंट को इस्तेमाल का यानी मुकम्मल तरीका बता देते हैं। ठीक
ठीक है। तो डिस्पेंसिंग यानी ये है कि आप जो है एक बड़ी जो ड्रग की प्रोडक्ट है उसमें से छोटी छोटी मतलब कुछ पोर्शन जो है जो पेशेंट को ज़रूरत है उसका आप हिस्सा उसको अलग-अलग करके दे देते हैं, दो या दो से ज़्यादा ड्रग का किसी कंटेनर में या इन्वेलप में पेशेंट के लेटर यूज़ के लिए, ठीक है। इस अमल को क्या कहते हैं, डिस्पेंसिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट है मेडिकल स्टोर पे जाता है तो उसने पूरी डब्बी तो नहीं लेनी होती ना, दो तीन किस्म की ड्रग की मुख्तलिफ किस्म की वो दवाइयाँ लेता है दो दिन की या तीन दिन की, तो जो फार्मासिस्ट होता है मेडिकल स्टोर के ऊपर जो खड़ा होता है वो उसको उसमें से उसमें थोड़ी थोड़ी 5 गोलियां 10 गोलियां काट के दे देता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, हम डिस्पेंसिंग कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंट अस्पताल के अंदर एडमिट होते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट अस्पताल के अंदर दी जाती है दिन और रात, यानी वो रात को भी उधर ही स्टे करते हैं, उनको बेड कोई ना कोई मुख्तसिस किया होता है जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को इन पेशेंट कहते हैं और उसके जो प्रिस्क्रिप्शन जो दी जाती है इन पेशेंट को उसको, यानी प्रिस्क्रिप्शन का पर्ची जो उसको डॉक्टर लिख देता है उसको मेडिकेशन ऑर्डर कहते हैं। और जो उस वार्ड के अंदर जहाँ पेशेंट एडमिट है यहाँ पर स्टे कर रहा है वहाँ पर जो नर्सेज की होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो मेडिकेशन ऑर्डर है जो डॉक्टर की हिदायत है उसको उसके मुताबिक पेशेंट को ड्रग वगैरह दें, ट्रीटमेंट करें और वो ऑर्डर हासिल करें और जो ज़रूरी ड्रग हैं उसके अंदर वो फार्मेसी से लेकर पेशेंट को दें, ठीक है। तो जो फार्मेसी होती है इन पेशेंट की वो अस्पताल के अंदर होती है और उसके अंदर तमाम जो ज़रूरी ड्रग होती हैं जो पेशेंट को रिक्वायर्ड होती हैं वो फार्मेसी से ली जा सकती हैं, वो जो पहले से पैकशुदा होती हैं और मुनासिब मकदार के अंदर वो जो पेशेंट को मेडिकेशन आर्डर के मुताबिक होती हैं वो जो है आप जो नर्सेज हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी से ड्रग लेकर पेशेंट को देती हैं, यानी आप कह सकती हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट करती हैं एज़ पर मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर यानी जो डॉक्टर होगा जो उसके ऑर्डर के मुताबिक पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही होती है। डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट में ये भी आ जाता है कि कंपाउंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग द मेडिकेशंस एंड इंश्योरिंग दे आर प्रॉपरली लेबल्ड, यानी आप जो डिस्पेंसिंग में ये भी आ जाता है कि जो नर्सेज हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पेशेंट एडमिट है अस्पताल के अंदर उसको वो ड्रग प्रॉपर पैक करके दें, लेबल करके दें। लेबल का मतलब है कि उस मेडिकेशंस के ऊपर लिख दें पेशेंट को कि ये ड्रग आपने दिन में 2 टाइम खानी है या 3 टाइम खानी है या 1 टाइम खानी है, किस टाइम खानी है। ये तमाम चीज़ें जो है इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग या मैन्युफैक्चरिंग दी मेडिकेशंस, यानी मेडिकेशंस को बनाने का तरीका। तो ये नर्सेज का काम होता है जो स्टाफ जो है अस्पताल के अंदर पेशेंट की केयर करने के लिए मुतय्यन होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि हर ड्रग को प्रॉपर लेबल करके केयर करें या दें इन पेशेंट्स को।
नर्सिंग सेशंस के ऊपर, ठीक है। तो मेडिकेशन जो है वहाँ स्टोर होती हैं फॉर ऑन गोइंग पेशेंट यूज़ बेस्ड ऑन द डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस, यानी जो पेशेंट एडमिट होते हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है पेशेंट को वो ड्रग दी जाती हैं। इन पेशेंट के ड्रग को नर्सेस जो है उसको प्रॉपरली तैयार करती हैं, उन मेडिकेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी पेशेंट को खिलाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि उसको खिलाना, ठीक है, और पेशेंट को डिलीवर करना यानी वो उस तक पहुंचाना, और लेटर रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट टू डॉक्यूमेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द पेशेंट रिकॉर्ड। यानी नर्सिंग के तीन काम होते हैं, एक तो मेडिकेशंस को स्टोर करना, महफूज करना उन पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या जिसको इन पेशेंट कहते हैं, ठीक है, महफूज करने के बाद दूसरी जिम्मेदारी उनकी यह है उन मेडिकेशंस को तैयार करके पेशेंट को खिलाना, एडमिनिस्ट्रेटर करना, एडमिनिस्ट्रेशन उसे कहते हैं। तीसरी जिम्मेदारी होती है कि वो मेडिसिन पेशेंट तक पहुंचाना, ठीक है ना। चौथी जिम्मेदारी होती है कि वो मेडिकेशन पेशेंट को देने के बाद वापस अपने नर्सिंग यूनिट में आती हैं और जो मेडिसिन उसने पेशेंट को दी है उसका रिकॉर्ड रखती हैं, उसको अपने रजिस्टर में दर्ज करती हैं, डॉक्यूमेंट करती हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट में आती हैं। अगला हमारा टॉपिक है डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट, और इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं आइडियली, यानी इसके अंदर जो दिलचस्पी तो ये होती है कि हैविंग अ डिस्टिंक्ट आउट पेशेंट फार्मेसी इन द प्रेफर्ड सेटअप, यानी आइडियली, यानी अच्छी चीज़ यही है कि जो आउट पेशेंट की जो फार्मेसी होती है उसका सेटअप अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तहम जो सेपरेट यूनिट जो है वो फिजिबल नहीं होते उसको, यानी अलहदा से फार्मेसी बनाना आउट पेशेंट के लिए वो इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए एक ही फार्मेसी होती है वही फार्मेसी में इन पेशेंट भी ड्रग ले रहे होते हैं और आउट पेशेंट भी ड्रग ले रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जो विंडो होती है जिससे पेशेंट को सर्व किया जाता है या दवाइयाँ दी जाती हैं वो सेपरेट होती हैं, ठीक है ना। वो सेपरेट भी हो सकती हैं या सेम भी हो सकती हैं, लेकिन सेपरेट हो तो वो अच्छी बात है। इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है कि आउट पेशेंट फार्मेसी कहाँ पर होनी चाहिए और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे फिजिबिलिटी हॉस्पिटल को होती है वो वहाँ पर वो अपनी आउट पेशेंट की फार्मेसी बना देता है, ठीक है ना। जो हॉस्पिटल्स है वो कैटेगराइज करता है आउट पेशेंट को, आउट पेशेंट्स को इन हिस्सों में तकसीम करता है। नंबर वन प्राइमरी केयर, एमरजेंसी केयर, रेफरल और ट्रेशनरी केयर। प्राइमरी केयर का मतलब होता है कि जो किसी के अपने जिसको खुद ब खुद आए हैं और अपने नॉर्मल रूटीन में आए हैं और दवाई लेकर चले गए हैं, ऐसी केयर को प्राइमरी केयर कहते हैं। एमरजेंसी केयर यानी कोई एमरजेंसी में आ गया है, किसी कोई 112 वाले से ले आए हैं, तो ऐसी केयर को हम एमरजेंसी केयर कहते हैं, ये भी आउट पेशेंट्स कहलाते हैं। यानी रेफरल और ट्रेशनरी केयर यानी किसी डॉक्टर के रेफरेंस से कोई पेशेंट आया है तो वो भी रेफरल या ट्रेशनरी आउट पेशेंट कहलाएगा, और इन तमाम चीज़ों को, तमाम पेशेंट को एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ द आउट पेशेंट। आउट पेशेंट्स की ये किस्में हैं, इमरजेंसी केयर, प्राइमरी केयर और रेफरल और ट्रेशनरी केयर। इसको हम डिटेल से देखेंगे। प्राइमरी केयर क्या होता है, प्राइमरी केयर ये होता है कि मोस्ट पीपल कॉमनली यूज दिस टाइप ऑफ केयर फॉर देयर माइनर हेल्थ इशू मोस्ट ऑफ द टाइम। इट सर्व्स एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम फॉर पेशेंट। यानी ज़्यादातर जो लोग जो है वो आउट पेशेंट के वो प्राइमरी केयर वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं अपने छोटे मोटे हेल्थ के मसाइल को
हल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है इसको इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम फोर्थ पेशेंट, यानी इसको हम जो कम पचीदा हेल्थ केयर सिस्टम होता है उससे पहले ही ट्रीट किया जाता है। यानी पेशेंट जो है बजाय उसकी जो मर्ज है कम्प्लेक्स यानी बहुत ज़्यादा पचीदा हो, उसको हल करना उसका इलाज मुश्किल हो, वो जब माइनर थोड़ा सा ही वो पेशेंट बीमार होता है तो वो उसकी दवाई या मेडिसिन ले लेता है। तो इस तरह की जो केयर होती है उसको प्राइमरी केयर कहते हैं, या वो आउट पेशेंट जो होते हैं प्राइमरी केयर कहलाते हैं। दूसरी जो किस्म है एमरजेंसी केयर। एमरजेंसी केयर क्या होती है कि डिस्पेंसिंग टू द कम्प्रीहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन, यानी मर्ज जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया है, उसका मर्ज पेशेंट का कम्प्लेक्स लेवल पर चला गया है जिसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, वरना उसके बाद पेशेंट जो है को शदीद नुकसान हो सकता है। तो ऐसे किस्म के पेशेंट को हम एमरजेंसी केयर पेशेंट कहते हैं, और ये आउट पेशेंट की दूसरी किस्म है। रेफरल और ट्रेशनी केयर ये थर्ड टाइप है आउट पेशेंट की। इसको अगर हम डिटेल से देखें, आफ्टर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग अ पेशेंट इन अ प्राइमरी और एमरजेंसी केयर, इफ डॉक्टर बिलीव द पेशेंट रिक्वायर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट और नॉट अवेलेबल एट देयर हॉस्पिटल, दे रिफर द पेशेंट टू द अनदर हॉस्पिटल फॉर फर्दर और कंप्लीट केयर। यानी इसका मतलब यह है कि प्राइमरी केयर एमरजेंसी केयर के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट का इलाज जो है इस अस्पताल में होना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, जो और अस्पताल होंगे वहाँ पर उस पेशेंट को भेज देगा। जो ये भेजने का जो अमल होता है इसको हम कहते हैं रेफर द पेशेंट, पेशेंट को भेजना किसी और अस्पताल में जो कि उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट कर सके, कंप्लीट केयर कर सके। इस तरह के पेशेंट को हम आउट पेशेंट की कैटेगरी में लाते हैं रेफरल टेशनल केयर की। लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आउट पेशेंट के लिए अलग से फार्मेसी बनाई जाती है, सेपरेट फार्मेसी सेटअप होता है आउट पेशेंट्स के लिए, जिसके अंदर सिर्फ आउट पेशेंट ही अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ये जो मेन फार्मेसी होती है हॉस्पिटल की उसका हिस्सा होता है। इस किस्म की जो फार्मेसी होती है वो आउट पेशेंट के लिए सिर्फ बनाई जाती है, और ये होती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बाहर से कोई पेशेंट आए और बाहर चला जाए, यानी अस्पताल की मेन बिल्डिंग से बाहर इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी भी कहते हैं, जो हस्पताल से अलग होता है। यानी आपको लोकेशन टाइप बता रहे हैं कि या तो वो हॉस्पिटल से एरिया की अलग होगी या इन एंड आउट पेशेंट की कंबाइंड फार्मेसी होगी। दो तरह की फार्मेसी होती हैं, तो इन एंड आउट पेशेंट की एक ही फार्मेसी होगी जिसके अंदर दोनों पेशेंट जो है अपने डिस्पेंसिंग सर्विसेज हासिल कर रहे होंगे। और इस तरह की जो फार्मेसी होती है इसके लिए एक विंडो भी हो सकती है इन पेशेंट आउट पेशेंट के लिए, या सेपरेट विंडो भी हो सकती है। प्रिस्क्रिप्शन टाइप रिसीव्ड इन आउट पेशेंट फार्मेसी। जो आउट पेशेंट फार्मेसी के अंदर जो पर्ची डॉक्टर की होती है उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उसको वो जो रिसीव होती है उसको कैसे हम करते हैं, द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग डिपेंड ऑन हॉस्पिटल रेगुलेशन द टाइप ऑफ हॉस्पिटल एंड द लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट। ये जो मेथड होता है डिस्पेंसिंग करने का आउट पेशेंट्स को, द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग आउट पेशेंट ऑन द हॉस्पिटल रेगुलेशन, यानी हॉस्पिटल के जो कानून जवाबित होंगे उसके मुताबिक ही आउट पेशेंट्स को डिस्पेंस की जाएगी, दवाई दी जाएगी, ठीक है ना। या टाइप ऑफ हॉस्पिटल के अंदर डिपेंड करता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे डील करते हैं। लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट या उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आउट पेशेंट्स को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर की पर्ची होती है, जो नुस्खा होता है जो आउट पेशेंट फार्मेसी के ऊपर हासिल किया जाता है, वो मदद ज़रा से आता है, ठीक है। नंबर वन, क्लिनिक पेशेंट, यानी क्लिनिक पेशेंट एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है, क्लिनिक यानी ओपीडी आप समझ सकते हैं। नंबर टू, डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट्स,
और डिस्चार्ज यानी जो हॉस्पिटल से इलाज कंप्लीट करवा के जो प्रिस्क्रिप्शन जो नुस्खा होता है वो तीन तरह का होता है या चार तरह का होता है। क्लिनिकल पेशेंट यानी जो अपना जनरल ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद चला गया, ठीक है ना। दूसरे जो हॉस्पिटल के हैं, दूसरी किस्म की प्रिस्क्रिप्शन होती है वो डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट के लिए होती है। डिस्चार्ज का मतलब है जो कि हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा के पेशेंट चले जाते हैं, उनके जो नुस्खा दिया जाता है वो डिस्चार्ज आउट पेशेंट हॉस्पिटल डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट कहलाते हैं। और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो भी प्रिस्क्रिप्शन आउट पेशेंट फार्मेसी में आती हैं। एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के एम्प्लॉय भी हॉस्पिटल से फार्मेसी से डिस्काउंटेड रेट पर मेडिसिन ले सकते हैं आउट पेशेंट से। और चौथी किस्म की जो है प्राइवेट पेशेंट, प्राइवेट पेशेंट ये होती है कि जो हॉस्पिटल टाइम के बाद जो पेशेंट आते हैं वो उनको ट्रीटमेंट के लिए इलाज के लिए, तो उसको प्राइवेट पेशेंट कहते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन भी आउट पेशेंट फार्मेसी पे आती है और इस तरह के जो प्राइवेट पेशेंट होते हैं इसका इलाज मालदा बहुत महंगा होता है। आपने लेक्चर सुना, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसमें एक क्वेश्चन है एमसीक्यूज, आपने इसको बारे में बताना है। अगर आपने लेक्चर गौर बगौर सुना होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा, अगर नहीं सुना होगा तो दोबारा से तमाम लेक्चर सुने। तो सवाल ये है, इन विच टाइप ऑफ फार्मेसी डिस्पेंसिंग फॉर द बोथ इन एंड आउट पेशेंट केयर्ड आउट, किस किस्म की जो फार्मेसी होती है जिसमें हम इन एंड आउट पेशेंट दोनों को डिस्पेंसिंग करते हैं, इन दवाई देते हैं। इन कंबाइंड फार्मेसी, इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी, या बोथ, या दोनों होती हैं। तो सही ऑप्शन क्या है ये आपने बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।